हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और शानदार तरीके से जिस तरीके से पढ़ाई चल रही है उसी तरीके से आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू अनवरत रूप से चलनी चाहिए। मेरा नाम है संजय चौहान और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी है कि आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, चाहे वो जीपैट का हो, चाहे नाइपर का हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर का हो, यहाँ तो पूछा ही जाता है। साथ साथ चूँकि आप फार्मासिस्ट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आपका काम है कि पूरे सोसाइटी में अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए। आपके घर में कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कोई केस आ जाए तो आप उस स्थिति में होना चाहिए कि सही सजेशन, सही टाइम पे इलाज, सही चीज़ें सब कुछ कर सकें। तो ये आपका नैतिक दायित्व बनता है सोसाइटी के लिए भी, साथ साथ अपने परिवार के लिए भी, साथ साथ अपने भरण पोषण के लिए भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये सब जानकारी आपकी होनी चाहिए। तो आज हम लोग जो इस सेशन में बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। देखिए, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स मेनली टॉपिक है आपका फार्माकोलॉजी में। एंटी, मैं एक बार पेन जो है एक्टिवेट कर लूँ, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। दवा कब दी जाएगी? जब कोई बीमारी होगी। तो बीमारी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको गांव देहात में बोलते हैं। भैया इनको टीबी पकड़ लिया है, इसे खांस रहे हैं, पकड़ लिया है इनको, ठीक है। पकड़ने को कोरोना भी पकड़ लेता, लेकिन टीबी और कोरोना का बहुत खौफ है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। उसके अलावा इस ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, टीबी के अगेंस्ट जो दवा दी जाती है, एंटी अगेंस्ट दी जाने वाली दवाएं, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम देखने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये बैक्टीरियाज दिख रहे हैं, इस तरीके से माइकोबैक्टीरियम दिख रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से फेफड़ा उफड़ा दिख रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो टीबी है ना, ये फेफड़े में होने वाली बीमारी है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, फेफड़े वाली बीमारी। लेकिन खाली फेफड़े में नहीं होती, आपके किडनी में, आपके गुर्दे में, आपके लीवर में, ठीक है, आपके दिमाग में, आपके स्प्लीन में, हर जगह हो सकती है टीबी। लेकिन ये प्रोबेबल ऑर्गन्स हैं, तो अपने दिमाग से पहली गलतफहमी दूर कर दीजिए कि कृपया कि खाली लंग्स में टीबी होती है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। केवल वही टीबी नहीं होती, टीबी आपके गुर्दे और किडनी उडनी ये सब जितने इसको बोलते हैं सब जगह हो सकती है, किसी भी ऑर्गन को अटैक कर सकता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो चुका है। जैसे आपके लैपटॉप में वायरस घुस जाता है तो लगता है कुछ भी क्लिक करोगे फाइल खुलेगी नहीं, हैंग होने लगेगा, उस प्रोग्राम के साथ इंटरफेरेंस कर रहा है, समझ गए। तो ये भी वैसे ही करता है, इंटरफेरेंस करने लगता है, पूरा सिस्टम आपका कंप्रोमाइज कर देता है, हर चीज़ आपकी चोरी कर ली जाती है, सब चीज़ कंप्रोमाइज, पूरा इम्यून सिस्टम पे ही अटैक होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं, अभी काफ़ी सारी बात करने वाले हम लोग। ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना एक्सरे आपको दिख रहा होगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सरे इमेज। देखो इस तरीके से कुछ गांठ टाइप का पड़ गया है, ठीक है, ग्रैन्यूल्स बन गए हैं, थक्के थक्के से इकट्ठे हो गए हैं। तो यानी कि एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टीबी है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, थूक से, स्प्यूटम से। जब आप स्वास्थ्य केंद्र पे, आजकल आपको बता दूं अवेयरनेस के लिए कि आपका इलाज टीबी का, जिसको कहते हैं डॉट्स, पक्के इलाज का पक्का वादा, ठीक है, आजकल थेरेपी ट्यूबरकुलोसिस की अवेलेबल है। सही टाइम पर आप अगर समझ गए, सही टाइम पर आप जानकारी ले गए तो बिल्कुल आपको बचाया जा सकता है, क्रिटिकल स्टेज में भी आपको बचाया जा सकता है। और आपके जिला अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सरकार जो मुहिम चला रही है कि 2024 तक इंडिया वांट्स टू एंड दिस ट्यूबरकुलोसिस बाय 2024, जो कि सरकार के इनिशिएटिव है 2024 में ख़त्म करना है इसको, तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इवन सरकार आपको पैसा भी देती है, 500 रुपये महीना, खाता होता खुलवा लीजिए, अपना खाता नंबर, आधार कार्ड वार्ड दे दीजिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आराम से देख रेख की जाएगी सारी चीज़ें, तो पैसा भी मिलेगा, इलाज भी हो जाएगा आपके खाने पीने के लिए, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो कोई गरीब आदमी है, कोई अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, गरीब आदमी है तो उसको ज़रूर रिकमेंड करिए कि वो अपना इलाज कराएं और सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि भैया ये ट्यूबरकुलोसिस है क्या आखिर, जिसको टीबी टीबी कहते रहते हैं, है क्या आखिर ट्यूबरकुलोसिस? तो टीबी जो है बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जनरली हम लोग देखते हैं कि आपके फेफड़े में रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्रोमाइज कर देती है। लेकिन मैंने आपसे बोला कि खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम में, खाली लंग्स में अटैक नहीं कर रही है, आपके किडनी, आपके लीवर, आपके ब्रेन सब पे डैमेज कर रही है।
तो एक ऐसे ये माइकोबैक्टीरियम, देखो सबसे पहले जो फार्मासिस्ट के सवाल पूछा जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम का बैक्टीरिया है जो इसको कॉज करता है, और मेनली आपके ये इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज कर देता है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े में भी बीमारी होने लगती है, मतलब बीमारियों का घर हो जाता है, हर जगह बैक टू बैक बीमारी होने लगती है एचआईवी की तरह। और गलती से अगर आप एचआईवी के पेशेंट निकल गए और आपको टीबी पकड़ ली, तो फिर तो आपका निकलना तय है लगभग, ठीक है, क्योंकि एचआईवी में खुद इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, ये भी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, कोई मर रहा उसका और गला एकदम बिल्कुल चापे पड़े हैं, गला उसका निकल लेगा, वो मर जाएगा वो, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ से फार्मासिस्ट में पहला सवाल यहीं से पूछा जाता है। इसको ग्रैनुलोमैटस डिसीज, कुछ देख रहे हो आप थोड़े गांठ टाइप के पड़ गए हैं, ठीक है, ग्रैनुलोमैटस डिसीज कहते हैं। मेजर मोड टू स्प्रेड इज कफिंग, भैया ऐसे सही वाले से कफिंग स्नीजिंग करो, थोड़ा इधर उधर अगर थूक दिए कहीं भी जाते जाते, अबे यार ऐसे लखनऊ स्टाइल में, अम्मा यार तुम क्या करे, पिच से थूक दिए, तो थूक दिए किसी के पैर में लगा, किसी को टच हो गया, फिर वो पैर से कहीं किसी की दुकान में गया, कहीं कुछ गया, वो फैलते 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 कई लोगों को पकड़ा देगा। तो भैया जो पिच करते हो ना, थूको मत यहाँ वहाँ, तो ये कफिंग कहीं भी खिखार के थूकने लगते हो, ये सब काम मत करो, बहुत ज़्यादा फैला, यानी कि ये कंटीजियस बीमारी, यहाँ देखो लिखा हुआ है कंटीजियस इन्फेक्शन है, बहुत ही तेज़ी से फैलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, कंटीजियस डिसीज है, ठीक है। और खांस दिए, छींक दिए, तो जो ड्रॉपलेट है उसकी वजह से वो एयर में सस्पेंड रहते हैं, उसकी वजह से भी सामने वाला अगर उसको कर लिया तो उसको भी प्रॉब्लम हो गई, पैरों से लगी हो गई, खुले में आप शौच करके आ गए लैट्रिन के बाहर कि चलो जी आज तो थोड़ा मजे लेके आते हैं बाहर की वादियों के, करके आ गए वहाँ पर, अब कोई गया उसके पैर वैर से कहीं पड़ गया, तब सोच लो उसको भी ले गए, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, चलो जी तुम्हें भी ले चलते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्प्यूटम जांच, जो स्वास्थ्य केंद्र पे अवेलेबल है, जिला अस्पताल में अवेलेबल है, स्प्यूटम से एक डाई से वो करके उसको चेक कर देते हैं, क्योंकि ये बैसिलस बैक्टीरिया होता है तो वहाँ से भी चेक हो जाता है, एसिड फास्ट बैसिलस होता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में आप जानते होंगे, ठीक है। दूसरा जो है कॉमन देखा जाता है एक्सरे करके भी पता लगाया जाता है कि कितना मामला ख़त्म हो चुका है, अभी है बच्चा कि चच्चा निकलने वाले हैं मिर्ज़ापुर वाले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, थोड़ा सा एक एक डेटा जरा हमने देख लिया, अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देख सकते हैं इसमें, देखो फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े चौंकाने वाले, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप समझ रहे हो 1/3 कितनी सारी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है टीबी से, बहुत है, ज़्यादा है, ये बहुत केस है, इतना हल्के फुल्के में नहीं है। वर्ल्ड टीबी डे जो मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, ये जीएस में आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछ सकता है 24 मार्च को, और इंडिया ने पूरा ट्राई किया है कि इसको इरेडिकेट कर देना है, ख़त्म कर देना पूरी तरीके से, कब, बाई 2025। सो इंडिया में कैंपेन ट्यूबरकुलोसिस से ख़त्म करने का बाई 2025। आपसे सवाल है कि मलेरिया को कब खतरने का सरकार ने सोचा है, क्या मलेरिया को बाई 2030 है या कुछ और ईयर है, आप बताएंगे। इंडिया वॉन्ट्स टू इरेडिकेट द मलेरिया बाई 2030, इज इट राइट और इज इट समथिंग डिफरेंट। किसी भी पार्ट को, मैंने कहा ना ट्यूबरकुलोसिस किसी भी पार्ट में हो सकती है, ठीक है, इंक्लूडिंग लंग्स, किडनी, ब्रेन, स्पाइन, सब जगह से आपको, कहने का मतलब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ, पूरा सिस्टम आपका हैंग हुआ, दिमाग उमाग सब हैंग, सब टाटा बाय बाय फिनिश खत्म, ठीक है ये चीज़। चलो अब जरा आगे देखते हैं थोड़ा सा, टाइप्स कितने की होती हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ डेटा जरा नज़र मार लेते हैं कि बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, जहाँ से मैं ये ज्ञान बांट रहा हूँ आपको, व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज। चलो जी इसको मिनिमाइज करो थोड़ा, आते हैं जी, देखो सबसे पहले आपकी तरह जैसे आप सर्च करते हो, मैंने भी सर्च किया ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ये देखो खांसते हुए पहलवान मिले, ये इस तरीके से पूरा रायता फैला हुआ, देखो सब लोगों ने ज्ञान बांट रखा है ट्यूबरकुलोसिस पे, तो काफ़ी अवेयरनेस ऑलरेडी है, बट वी नीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अवेयरनेस। अब देखो फिर मैंने सर्च किया ट्यूबरकुलोसिस, देखो कई सारी वेबसाइट है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स CDC और WHO, देखो कितना सारा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कितना। तो टीबी के बारे में थोड़ा जानकारी रखो, देखो इलाज कब सही से कर पाओगे, जब बीमारी, मैं बार बार कहता हूँ किसी भी समस्या का समाधान तभी ढूंढ पाओगे जब समस्या क्या है, मूल समस्या वही पता लगे, जब समस्या ही नहीं पता तो भैया सोल्यूशन काहे का, जब बीमारी ही नहीं पता है तो इलाज काहे का करोगे, तो जब बीमारी पता लग गई तो उसके कारण पता लग, काहे हो रहा है ये,
तो जैसे पता लगा कि इस वजह से, तो अच्छा इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, गो फॉर द सर्च ऑफ सोल्यूशन. अंडरस्टैंड? वंस यू हैव क्लैरिफाइड द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द अंडरगोइंग प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली यू नीड टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम्स. चलिए जरा यहाँ समझते हैं, थोड़ा सा कुछ ज्ञान बांटते हैं. अब खांसी आ रही तो टीबी नहीं हमको पकड़ा हुआ है, ठीक है. की फैक्ट्स, जो की फैक्ट बता रहा हूँ ना, वो यहीं से है. देखो, अ टोटल ऑफ 1.5 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम टीबी इन 2020. 1.5, 1 मिलियन 10 लाख, 1.5 मिलियन 2020 में खाली निकल लिए, ठीक है. देखो, 2,14,000 पीपल विथ एचआईवी. मैंने कहा ना, इसका जो गठजोड़ है बिल्कुल एचआईवी, अगर एचआईवी है और टीबी पकड़ ले तब तो आपको जाना तय है. आप अपना टिकट उकट कटवा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब डेटा का भी इत्मीनान से पढ़ना. कितना खर्च, यूएस डॉलर खर्च होता है टीबी को रोकने में. देखो, बैक्टीरिया, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सवाल फार्मासिस्ट में पूछ देता है कि कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस क्या. बैक्टीरियल डिजीज है भैया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट ऑफन अफेक्ट द लंग्स, ठीक है. क्यूरेबल है और प्रिवेंटेबल है, इलाज है, रोका जा सकता है. पहले नहीं इलाज था, अब इलाज है. वो जो डॉट्स मैं शुरुआत में नाम लिया हूँ, आप बताइए, जो कहते हैं कि पक्के इलाज का पक्का वादा, क्या डॉट्स थेरेपी इसी से है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके का फॉर्म है या कुछ और उसका अलग फॉर्म है? डॉट्स थेरेपी जो कहते हैं पक्के इलाज का पक्का वादा, क्या टीबी के लिए ही बोलते हैं वो? और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट क्या यही फुल फॉर्म है या कुछ और है डॉट्स के बारे में, ठीक है. देखो, टीबी इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर, छींके खांसे थूके, तो हाइजीन थोड़ा मेंटेन करिए, एल्बो का यूज करिए. ऐसे ऐसे नहीं करना है, या ऐसे ऐसे थूक के फिर हाथ में मिला लिए, पकड़ लिए भैया, हाँ चलो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है. अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ए टीबी इन्फेक्शन, ये करंट डेटा है. जो पहले मैंने वो बताया वो थोड़ा सा पुराना डेटा था, ये करंट डेटा है कि अब 1/4 हो गया, यानी कि डे बाय डे टीबी को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है. तो 1/3 पहले था मेजरली, पूरा सोचो कि 1/3 हिस्सा पूरा, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि अब ट्रीटमेंट हो गया, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो केसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़. चलो, कौन सबसे ज़्यादा रिस्क पे है? देखो, कौन ज़्यादा रिस्क पे हैं, इसमें देखो लिखा हुआ, एचआईवी वाले, हु आर इन्फेक्टेड विथ एचआईवी 18 टाइम्स मोर लाइकली टू डेवलप एक्टिव टीबी. लो जी भैया, पकड़ लिया अगर ना, कांड वांड करके बैठे हुए हो, निकल लो, चलो फिर अब काम ख़त्म है. ग्लोबल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ, किस एरिया में हो रहा, वो सब दिखाया गया है. देखो, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, डेवलपिंग कंट्रीज, साउथ एशिया में आपका अपना इंडिया आता है ना, साउथ ईस्ट एशियन. सिम्टम्स डायग्नोसिस, देखो ये सब आते हैं. जब टीबी भी होता है ना, तो वेट जो है, वेट बढ़ता है कि घट जाता है, ये बताइए. पसीना बहुत होने लगता है, बहुत ज़्यादा. देखो यहाँ लिखा होगा, क्या क्या लिखा है, कफ विथ स्प्यूटम, बार बार बलगम की जाँच करवा लीजिए, ठीक है. ब्लड आ जाता है, चेस्ट पेन होने लगता है, वीकनेस, वेट लॉस होने लगता है, फीवर, नाइट स्वेट्स. देखो ये सब, ये जो है ना, ये सब लक्षण है. अगर ऐसा कुछ है, समझ जाओ गड़बड़ा रहा है मामला, अभी जाके चेक को करा लो अपना भैया, ठीक है. चलो, उसमें भी अब देखो बहुत सारी चीज़ें आराम से इसको टीबी और एचआईवी के साथ देखो इन्होंने बताया हुआ. मल्टी ड्रग, ये बड़ा खतरनाक है इसमें. मल्टी ड्रग मतलब दवा चला रहे, दवाइयाँ नहीं काम कर रही है, मल्टी ड्रग लगाए पड़ा है वो, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड, ये फलाना डेम का सब चला लिए, मल्टी ड्रग काम ही नहीं कर रही है. और खास करके रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट हो, सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट हो जाती है ये एमडीआर टीबी में, ठीक है, ये सारी चीज़ें. अब सोचो कि पहले एक दवा चल रही थी, नहीं, अब दवा भी चलेगी, इंजेक्शन भी ठुक रहा है, सोचो कितना जिंदगी नरक हो जाती है एकदम बिल्कुल. ये देखो यहाँ पर लिखा हो, मल्टी इज ए फॉर्म ऑफ टीबी कॉज बाय बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन. एमडीआर टीबी, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट हो जाता है, देखो यहाँ लिखा हुआ कायदे से. और ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग होती हैं, फर्स्ट लाइन दवा होती है. सबसे पहले जैसे फर्स्ट लाइन हमारी फोर्सेज होती है ना, जैसे बीएसएफ हो गई बॉर्डर पे सबसे पहले, फिर उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस, सीआरपीएफ वगैरह है, ये सब देखो. तो एमडीआर टीबी किसके द्वारा रेजिस्टेंट, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड नहीं करते किस बीमारी, किस दवा से, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन. मतलब आइसोनियाजिड रिफाम्पिसिन काम ही नहीं कर रही हैं. आपको आइडिया लग गया होगा कि आइसोनियाजिड रिफाम्पिसिन भी यूज होती हैं. चलो, बहुत ज़िंदगी नरक हो जाती है. कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट, बहुत पैसा लगता है भाई. अब सोचो कि स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में इलाज ना हो ना, तो आधे लोग का घर बिक जाए, इतना महंगा ट्रीटमेंट होता है प्राइवेट में. इसलिए प्राइवेट डॉक्टर भी कहते हैं, भैया जब फ्री में है तो जाओ अपना इलाज उलाज कराओ, खाता होता खुलवाओ वहाँ अपना आराम से,
ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ से WHO से बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, 10 मिनट लगेगा, बस खाली ऐसे ऐसे स्कैन कर लेना। चलो एक और वेबसाइट है अमेरिका की, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, देखो यहाँ पे लिखा सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल CDC, मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ बीमारी को पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट वेबसाइट इनसाइड द वर्ल्ड। जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग वीडियो इसके चला के देख लेते हैं क्या दिखाया गया एक्चुअली इसके बारे में। देखो US का है सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ध्यान से देखिए, TB is not a disease of the past. CDC estimates up to 13 million people in the United States have latent TB infection. People with latent TB infection do not have symptoms and cannot spread TB bacteria to others. However, without treatment, 5-10% of people with latent TB infection will detect ही नहीं हो पाती TB, आधे लोग को पता नहीं चलता। For some people, the risk is much higher. 3. TB can happen anywhere. कहीं भी हो सकता है। Treating latent TB infection is effective and can prevent the development of TB disease. 5. It's important. If you are at high risk for TB infection, yes, आपको लगता है कि गड़बड़ है मामला, get it tested as soon as possible. TB in the United States. Learn more about tuberculosis by visiting ठीक है, www करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हाउ टीबी स्प्रेड, लेटेंट टीबी, अभी मैं बताऊँगा टीबी के टाइप्स, लेटेंट टीबी, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो जैसे ये है, इसके बारे में पढ़ना है, खोल लो उसको, लेटेंट टीबी, ठीक है, हाउ टीबी स्प्रेड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ लो, लेटेंट टीबी। देखो क्या लिखा हुआ, टीबी बैक्टीरिया कैन लाइव इन द बॉडी विदाउट मेकिंग यू सिक, दिस इज कॉल्ड द लेटेंट इन्फेक्शन। भैया इन्फेक्शन हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि हो गया है, टाटा बाय बाय फिनिश, लेटेंट टीबी, दिस इज कॉल्ड द लेटेंट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इन मोस्ट पीपल हु ब्रीद इन ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम बिकम इन्फेक्टेड, द बॉडी इज एबल टू फाइट, यही सारी चीज़ें, कोई सिम्टम ही नहीं है, ए सिम्टोमेटिक हैं लेटेंट टीबी वाले केसेज। चलो ये देखो, थोड़ा एक एक ऑप्शन क्लिक करके देख लेते हैं, साइन एंड सिम्टम तो आपको पता लग ही जाएगा, वैक्सीन, भाई BCG वैक्सीन लगती है आप सबको पता है, ठीक है, टीबी पर्सनल स्टोरेज, टेस्टिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये जरा देखते हैं, ट्रीटमेंट ये देखते हैं क्या है, ट्रीटमेंट कौन कौन सा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट मैं पढ़ाऊंगा अभी, यहाँ सब दिया हुआ, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, दवा काम ही नहीं कर रही, रेजिस्टेंट हो गया है, ठीक है, देखो स्प्रेड फ्रॉम एयर टू एयर, ये सब कुछ दिया हुआ, देखो सेम वे दैट ड्रग ससेप्टेबल टीबी इज स्प्रेड, एयर फ्रॉम 1% टू अंदर कॉन्टेजियस, वही बोला मैंने, ठीक है, इन टू देर वन पर्सन, ठीक है, थ्रोट कफ या स्नीच करता है, बोलता है, सिंग्स, गाना वाना, थूकता उकता रहता है बोलते बोलते, मुंह में मुंह, चोच में चोच सटा के बैठे रहोगे तो यही होगा, ये नहीं करना है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इसमें बहुत सारे, एक्सटेंडेड है और मल्टी ड्रग है, देखो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ, सब यहाँ से पढ़ लेना है सब, अगर मैं पूरा पढ़ाने बैठ जाऊँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी किससे, आइसोनियाज़ और रिफाम्पिसिन से, एक्सटेंसिवली कुछ ज़्यादा ही रेजिस्टेंस हो गया एकदम, ठीक है, ये XDR-TB, लो जी XDR-TB, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है, MDR-TB का एक टाइप है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, दैट इज रेजिस्टेंट टू आइसोनियाज़िड एंड रिफाम्पिसिन प्लस एक्सटेंड हो गया है और प्लस फ्लोरोक्विनोलोन एंड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंजेक्टेबल सेकंड लाइन। लो जी भैया, ये तो बहुत ही खतरनाक है, XDR MDR TB में तो आइसोनियाज़िड रिफाम्पिसिन से हो रहा था, यहाँ तो आइसोनियाज़िड रिफाम्पिसिन प्लस फ्लोरोक्विनोलोन और सेकंड लाइन थेरेपी भी नहीं काम कर रहा है, ये तो बहुत ही खतरनाक है मामला XDR TB का। ठीक है, ये है चीज, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी PhD काफ़ी है ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते। चलो अब जरा आते हैं, अब आपको समझाऊंगा ना तो अब पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी आपको। देखो लेटेंट टीबी, एक्टिव टीबी, MDR TB, EDR TB या XDR TB, ठीक है, तो आपको बताया था ना, लिख लेना है, लेटेंट टीबी वही जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एक्टिव टीबी, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी किससे, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाज़िड,
रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंट, दवा से ही रेजिस्टेंट हो गया, मल्टी ड्रग, कई सारी दवा, एक दवा नहीं है, मल्टी दवा, मल्टी देखो कई है, देखो आइसोनियाज ऑर्डर, ये मल्टी ड्रग, और यहाँ देखो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सट्रीमली और एक्सटेंसिवली हो गया ये, ठीक है, एक्सडीआर टीबी, फ्लोरोक्विनोलोन वही सिप्रोफ्लॉक्सासिन वाला जो है मामला, और उसके बाद अमीकासिन सबसे रेजिस्टेंस हो गया है। तो भैया आप करोगे क्या, मतलब दुनिया ही छोड़ दें क्या, सब तो सब गड़बड़ हो गया मामला एकदम। चलो अब जरा देखते हैं रिस्क फैक्टर। ई भाई साहब एचआईवी जो पकड़ा के बैठे हुए ना, जो एड्स वेड्स पकड़ा के बैठे हुए, समझ लो अगर कांड किए बेटा तो जाओगे, पक्का जाओगे, इसलिए अपने जज्बातों को थोड़ा काबू कर लो। प्रेग्नेंट वुमेंस में, ठीक, आपको पता है कि अगर ट्यूबरकुलोसिस पे अगर मदर जो है इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी पूरा पूरा चांसेस होता है, अगर उसको वो स्तनपान कराती हैं तो, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो कितना प्रॉब्लम आती है, सारी चीज़ें, ठीक है। इलीगल ड्रग इंजेक्शन, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से लाया और दवा ववा चोंक चाक लिए, बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं करना है कुछ भी। चलो अब डायग्नोसिस पता कैसे लगाएंगे, तो जनरली सिंपल आपको क्या है, स्प्यूटम, थूक से स्प्यूटम टेस्ट कर लेते हैं, एक्सरे करवा के पता कर लेते हैं, और क्या है मोंटेक्स टेस्ट होता है, टीबी स्किन टेस्ट, जो इसे ना ऐसे इंजेक्शन लगाएगा और लगन मत गोला से बना देगा कि गोला अगर बढ़ गया तो समझ लो टीबी है, लाल हो गया गोला बढ़ गया, नहीं हुआ तब टीबी नहीं है, उसको बोलते हैं मोंटेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट। याद रखिए मोंटेक्स टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, मोंटेक्स टेस्ट, मोंटेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट। चलिए स्किन टेस्ट, खून टेस्ट भी करते हैं तो उसमें आता है इग्रेज, इग्रेज टेस्ट, यानी कि इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे इग्रेज, या कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल टेस्ट से भी आइडिया लग जाता है सारी प्रोफाइलिंग। एक्सरे करते हैं हम लोग, एक्सरे से क्या होता है एसिड फास्ट बैसिलस, क्योंकि बैक्टीरिया का जो है टीबी का बैक्टीरिया है एसिड फास्ट बैसिलस है, ठीक है, ये चीज़ समझना पड़ेगा। फिर सिटी स्कैन से पता लगता है स्प्यूटम, या फिर स्मियर टेस्ट थूक ऊक से, तो ये सारे कई चीज़ हैं। इसमें सबसे सबसे जो तगड़े वाले देखा जाता है वो मोंटेक्स देख लिया जाता है, चेस्ट एक्सरे से कंफर्म कर लिया जाता है स्प्यूटम स्प्यूटम। तो जब स्वास्थ्य केंद्र पे कभी जांच कराने जाओगे कभी गलती से, तो पहले थूक वाला टेस्ट करेगा, स्मियर टेस्ट करेगा, फिर एक्सरे टेस्ट लिख देगा, फिर खून उनका लिख देगा, फिर मोंटेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर देगा सब, ठीक है। और ज़्यादा नहीं कुछ मिला तो भैया लास्ट उपाय सिटी स्कैन फिर करेगा, जाओ सब मामला टाटा बाबा खिनी से वैसे ही जा रहे तो फिर ख़त्म ही मामला, जाओ। प्रिवेंशन भैया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचा लो जिंदगी भैया वो ज़्यादा बढ़िया है। BCG वैक्सीनेशन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये फुल फॉर्म होता है BCG वैक्सीनेशन। किस में लगता है, टीबी से बचाने के लिए, बचपन में लग जाता है। आप बताइए कि जब BCG वैक्सीनेशन लगता है तो क्या गड्ढा गड्ढा सो जाता है बाजू में, सब डीपर कुछ इस तरीके का हो जाता है, डार्क सा पड़ जाता है BCG वैक्सीनेशन का, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। अब देखो ट्रीटमेंट, अगर हो गया टीबी तब पहले तो रोकना है कि ना हो, लेकिन हो गया मान लो तब क्या करेंगे, तो झेलो 6 से 10 महीना, किसी का 6 महीने में ठीक हो जाता है, किसी का 7 महीना, किसी का 8 महीना, किसी 10 महीना। तो अब हो गया है तो अब दवाई चालू करना पड़ेगा, तो दवाई कौन से चालू करोगे, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। याद रखिए कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस पर पढ़ा रहा हूँ, मैंने कई लोगों से इंटरेक्ट किया, मेरे रिलेटिव में कई लोगों को हो गया था, तो वो भी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, दवाई देखा, ठीक है, सब चीज़ें मैं देखा हूँ बिल्कुल। तो जो फर्स्ट लाइन होती है बॉर्डर पे, जब BSF होती है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बाकी अंदर पुलिस वुलिस CRPF संभाल लेगी, लेकिन बॉर्डर पे कौन है, फर्स्ट लाइन, सबसे पहले कौन झेलेगा वो। तो सबसे इनकी खास बात होती है कि हाई एफिकेसी, साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, तगड़ा काम करते हैं, बहुत तगड़ी होती है। जब ये फेल होती है तब जाके इनको यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि इनमें टॉक्सिसिटी बहुत, इनमें रिवर्स होता है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एफिकेसी कम होती है, किसमें, सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है समझ लो ये। तो फर्स्ट लाइन का फॉर्मूला है राइप या सरजी, चलो न्यूमोनिक्स बना लो, क्या उनका फॉर्मूला है, सरजी, सरजी कौन सा फॉर्मूला है, सरजी, ठीक है, राइप और सरजी, अभी बताते हैं राइप और सरजी का, ठीक है। जो सेकंड लाइन है उसमें वही प्रॉब्लम है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, एफिकेसी कम है, दैट्स वाई इसको बाद के लिए यूज किया जाता है। इसमें देखो PAS, इसका फुल फॉर्म है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड को यूज किया जाता है यहाँ पर। ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, कैनामाइसिन, अमीकासिन, ये इंजेक्टेबल के फॉर्म में आते हैं ये दोनों लास्ट वाले। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो रिफाम्पिसिन यहाँ दिख रही है ना राइप में, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जुड़ गया इन्हीं में,
तो चाहे ये फॉर्मूला याद कर लो, चाहे ये याद कर लो, सर जी, सर जी वैसे ज़्यादा याद रहेगा, सर जी, ठीक है। रिफाम्पिसिन लेप्रोसी कुष्ठ रोग में भी यूज होता है, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना कि यूरिन को डिसकलरेशन कर देता है ये, या तो येलो इस कर देगा यूरिन को, या फिर डिसकलर कर देगा उसको बिल्कुल। और स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे बेसिक दवा है जो टीबी में सबसे पहले यूज हुई थी, ठीक है, फर्स्ट लाइन में, ये सर्जी वाली। अब जरा एक एक करके समझते हैं, थोड़ा सा कुछ लाइव एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ये जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ ना, ये यूपी में जो दवा यूज होती है, जो यूपी में सप्लाई होती है, उसकी है इमेज। मैंने देखो, ये मेरे एक रिलेटिव को जब इशू हुआ था तब मैंने यहाँ पर देखा था इसको, ठीक है। यहाँ देखो, देखो ये जो इन्वर्टर सड्डा दिखा है ना, ये हमारा ही प्लेटफॉर्म, आपको पता है इन्वर्टर सड्डा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से चुराया उरा है इमेज, ये हमारा ही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल RNTCP, RNTCP के तहत ही ये सब ट्रीटमेंट चल रहा है। देखो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इस तरीके से लाल लाल बिल्कुल मोटी मोटी गोलियाँ देखेंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है। और एक एक बार में तीन तीन चार चार खाना पड़ जाएगा, सोच लो। और ये जो थेरेपी होती है ना, वो वेट के बेसिस पे होती है, वेट, जितना मोटा इंसान होगा उसको उतना ही डोज देना पड़ेगा, समझ गए, वेट के हिसाब से। तो सबसे पहले पेशेंट को वेट देखा जाता है, 55 किलो उससे 60 किलो है तो ये डोज चलेंगे, 70 किलो वाला है तो ये डोज चलेगा। तो भैया कभी इलाज करवाने जाना तो वेट वोट अपना बता देना क्लियर, नहीं तो पता लगा वेट ज़्यादा है और कम हल्की दवा चल रही तो टीबी भी नहीं ठीक होने का, वेट बहुत जल्दी आपको बताना पड़ेगा इसका, ठीक है। ये सारी चीज़ देखो लिखा हुआ है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड एंड इथेम्बिटोल हाइड्रोक्लोराइड, वही राइपी, ठीक है, एंटी टीबी रेजिमेन कैटेगरी DSTB IP, ठीक है। ये पूरी है, देखो सब सारी चीज़ें लिखी हुई। अब देखिए फार्मासिस्ट के एग्जाम में क्या खेला हो भी करता है, ये करता है। देखो लिखा हुआ 150 mg, 75 mg, 400 mg, 275 mg। अब 3 से 4 डेली यूज़ हो रही हैं, अब पेशेंट का और वेट हो गया तो मान लो 4 गुना। तो कभी कभी पूछ देता है कि रिफाम्पिसिन जैसे मान लो 150 mg दिया है तो आपको 4 टैबलेट खानी पड़ गई, तो 150 × 4 मतलब 600 mg हो गया पूरे दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ लेता है कि रिफाम्पिसिन कितना डोज, तो फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में डोज पूछ लेता है, भैया खेला ओवे हो जाता है बिल्कुल, डोज पूछ लेता है। यहाँ तो 150 mg है लेकिन पूछ लेगा कि मैक्सिमम कितना एक दिन में यूज़ करते हैं हम लोग, तो 4 अगर टैबलेट यूज करो, 150 को कितना हो गया 600 mg। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा, अंदाजा लगा लेना, आजकल बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में। चलो जरा और देखते हैं, अब थोड़ा और बड़ा बड़ा करके देखते हैं, इसकी 2022 एक्सपायरी डेट है, उससे हमें नहीं मतलब है। देखो एंटी शेड्यूल कौन सा लिखा हुआ, शेड्यूल 13 लिखा हुआ, ये कौन सा शेड्यूल है, कभी सुना आपने शेड्यूल 13? चलो देखो यहाँ पर लिखा हुआ रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, इथेम्बिटोल, जिसको बोलते हैं राइप, राइप या सरजी, दोनों आप याद रखो। देखो ये डोज याद रखो थोड़ा सा, 150, 75, 400, 275, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, स्टोर बिलो 25°C, आइस डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, भैया बिना फिजिशियन के अपने आप मत चालू कर देना, ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिफाम्पिसिन शुड बी यूज विथ एक्सट्रीम केयर इन पेशेंट नोन टू हैव लीवर डिसीज या डिसफंक्शन, लीवर वर की समस्या, किडनी उडनी अगर दिक्कत है तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों, कलर ऑफ स्वीट और यूरिन रेड कर देता है रिफाम्पिसिन, डिसकलर कर देगा या पीला कर देगा, लाल कर देगी आपकी यूरिन। ये देखो रिफाम्पिसिन यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, देखो ये डोज लिखा हुआ पूरा। शेड्यूल H1 यहाँ देखो लिखा हुआ है, शेड्यूल H1, ये H1 कैटेगरी का ड्रग, एक शेड्यूल H होता है, एक H1, आप बताइए H1 किसको कहते हैं, ठीक है। RNTPG रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब चालू हुआ था, 1997 रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, इसी के तहत पूरे इंडिया में दवा जो है सप्लाई चलती है। ये मेडिसिन जो है यूपी की है, उत्तर प्रदेश की, मेरे रिलेटिव को चल रही थी तो वो दवा मैंने फोटो देखो ले लिया है उसकी, यहाँ पर देखो चौकी वौकी दिख रही है सब, ठीक है। फोटो खिंचवा के मैं मंगाया कि क्या दवा चल रही है, सारी चीज़ें उनसे पूछा सब कुछ, रेडमी नोट 9 से लिया भी गया है, फोटो वोटो इसका खींचा गया है सब कुछ। देखो यहाँ पर लिखा हो बड़ा बड़ा रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, ठीक है, इथेम्बुटालियो। और देखो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय ल्यूपिन, औरंगाबाद की बनी हुई है ये ल्यूपिन, वही पुणे वाली जो है ल्यूपिन वही है, पूरा सारा बैटरा इसका, 500 रुपया जो आपको खर्च बर्च के लिए भी सरकार देती है ताकि आप इलाज उलाज करा लीजिए, ठीक है। तो इतनी सब कुछ सुविधा तो फिर हिचकना क्यों भाई, अगर टीबी है तो जाओ इलाज कराओ, उसमें कौन सा शर्म वाला है, नहीं भैया हमको टीबी हम नहीं इलाज कराएंगे, इसे थोड़ी ना है। चलो तो अब समझ में आ गया, अब जरा रट्टा वाला काम करते हैं, फर्स्ट लाइन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, राइप।
ठीक है, राइप लगाओ या स्ट्रेप्टोमाइसिन। भूलिए मत, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज होता है लेकिन वहाँ राइप ही, क्योंकि वो नॉर्मल पेशेंट के लिए यूज हुआ है। स्ट्रेप्टोमाइसिन सर्जी फॉर्मूला, या तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो ये फॉर्मूला। तो आर क्या है? रिफाम्पिसिन। आई क्या है? आइसोनियाजिड। पी क्या है? पायराजिनामाइड। ई क्या है? इथेमेटोल। और उसमें एक एस जुड़ गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन चूंकि बहुत बेसिक दवा थी जिसको यूज किया गया था ट्यूबरकुलोसिस में, सर जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथोमिटोल। चाहे ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूरिन डिसकलरेशन या फिर रेड कलर कर देता है, दोनों होता है, कभी कभी डिसकलरेशन भी कर देता है, कभी कभी रेड कलर भी कर देता है ये चीज, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट यूज ड्रग है, सबसे बेसिक दवा है, इसको नहीं भूल सकते। शुरुआत यहीं से ट्यूबरकुलोसिस हुई थी, जब कुछ नहीं था तो यही था। आपसे कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे पेंसिलिन की डिस्कवरी फ्लेमिंग ने की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी किसने की थी? दूसरी बात, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके अंदर में, कौन से एंटीबायोटिक्स के अंदर में आता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, आप बताएंगे, ठीक है। चलिए और ज़रा आशा कर रहा हूँ कि मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, ठीक है। अब जरा इंपॉर्टेंट है, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत ज़्यादा बकवास नहीं पढ़ना, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। चलो आइसोनियाजिड, INH, कभी कभी इस नाम से आ जाता है, INH के नाम से। तो ये जो आइसोनियाजिड है ना, वो क्या करता है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। कहोगे ये क्या गुरु जी आ गया। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मैं खाना खा के खूब मोटा हो रहा हूँ, 10 दिन तक मुझे खाना ना दो, 2-4-10 दिन झेलूँगा उसके बाद निकल लूँगा, तो मेरी फूड सप्लाई ब्लॉक कर दो। जब किसी देश से लड़ाई होती है ना, तो फूड सप्लाई उसकी काटी जाती है। मान लो जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर लड़ाई हो रही है, तो नीचे से पाकिस्तान कोशिश करता है कि सप्लाई काट दी जाए, समझ गए, ताकि खाना पानी नहीं पहुंचे तो ऊपर वाले तो खाना पानी भी ना मर जाएंगे, सप्लाई काट दो खाना पानी। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसमें एक फैटी एसिड होता है, उसका नाम होता है माइकोलिक एसिड, ठीक है। माइकोलिक एसिड फैटी एसिड होता है, ठीक है, और फैटी एसिड से खूब एकदम फैल जाता है, बिल्कुल खा खा के मोटा हो जाता है। तो पिचकाने के लिए उसका खाना पानी बंद करना पड़ेगा, तो खाना उसका रोक दो, और खाना क्या है उसका, माइकोलिक एसिड, ठीक है, माइकोलिक एसिड का ब्लॉक कर दो। तो यानी कि आइसोनियाजिड, सवाल पूछा जाता है एक लाइन में, आइसोनियाजिड ब्लॉक्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, खाना पानी बंद, फैटी एसिड बंद, काम खत्म, टाटा बाय, फिनिश। चलो यहां से, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वाल में माइकोलिक एसिड एक फैटी एसिड होता है, और जो खाने के तौर पे जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो लो उसकी एनर्जी सप्लाई काट दो, खत्म, टाटा बाय बाय। और ये किस काम पे काम करता है, INHA और CASA जीन पे काम करता है, इन्हीं को ब्लॉक करता है ये, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा हुआ, पायरिडॉक्सिन। पहली बात तो बताइए, पायरिडॉक्सिन किसको बोलते हैं, विटामिन B6 को बोलते हैं, विटामिन B12 को बोलते हैं, किसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, इसकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आइसोनियाजिड क्या करता है, ब्लॉक कर देता है पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट पाथवे को। पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट पाथवे को आइसोनियाजिड जब देते हो तो ब्लॉक कर देता है, टीबी का इलाज भी करता है, लेकिन ब्लॉक करने से इस पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है। इसलिए जब कमी ना हो तो पायरिडॉक्सिन के साथ इसको सप्लीमेंट करके दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। और इसमें प्रॉब्लम देखी गई है कि हेपेटाइटिस या फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी मेजर प्रॉब्लम देखा गया। हेपेटाइटिस लीवर की बीमारी है, आपको पता है लीवर सिरोसिस हो जाती है, दैट इज़ हेपेटाइटिस, ठीक है। चलो आइसोनियाजिड के बारे में हमने समझ लिया, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस याद रखिए। रिफाम्पिसिन यूरिन को रेड कलर कर रहा था या डिसकलर कर रहा था, दोनों कर रहा था। ये क्या करता है, ये इंटरप्ट करता है, बाधित करता है काम करने से, समझ गए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और समझाता हूँ, जैसे ये ब्लॉक कर रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है, फिर इसको पहले बता लेता हूँ, ठीक है। इंटरप्ट करता है RNA सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू बीटा सब यूनिट ऑफ माइकोबैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अच्छा ये बताइए, ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज करता क्या है, DNA के सिंथेसिस करता है, RNA के सिंथेसिस करता है। और अगर DNA से RNA बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और RNA से उल्टा DNA बनता है, और HIV में क्या हो रहा है, DNA से RNA बन रहा है कि RNA से DNA बन रहा है, आप बताइए। नॉर्मली DNA से RNA बन रहा है, लेकिन RNA से DNA बन रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो उस प्रोसेस को भी बताना, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है वो भी आपको बताना है, ये सारी चीज़ें। तो बीटा सब यूनिट को ब्लॉक कर रहा है माइक्रोबैक्टीरियल के DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ये ब्लॉक कर रहा है, ताकि RNA की सिंथेसिस, अब कोई पाथवे है जिससे कोई चीज़ आ रही है, सिंथेसिस है। अच्छा जैसे मान लीजिए, चलो आपको देसी स्टाइल में समझाता हूँ, बिल्कुल ये है, ये पुल है, ठीक है, ये कोई पुल है,
और यहां से होते हुए जो है सेना को जाना है, ठीक है। अगर इस पुल को आईईडी से ब्लास्ट कर दो तो इधर की सेना इधर रह गई, इधर की सेना इधर रह गई, पूरा पाथवे ब्लॉक हो गया, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, सारी सेना इधर रह गई, सारी सेना इधर रह गई। उसी तरीके से इसका है, जब ये पूरा पाथवे फॉलो कर रहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की वजह से, आरएनए जो कि सिंथेसिस में मदद कर रहा है, तो जब इसको रोकोगे तो आरएनए सिंथेसिस ही रुक जाएगी, पुल उड़ाओगे तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। वही हाल है यहाँ पर, ठीक है, रिफाम्पिसिन। चलो, पायराजिनामाइड, राइप में पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड की सबसे खास बात है कि ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, बेसिक मीडियम में नहीं काम करता, स्टरलाइजिंग एजेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा एफिकेशियस है, सब मार मार के ख़त्म, तबाही मचा देता है एकदम, बिल्कुल स्टरलाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। हिपाटोटॉक्सिसिटी तो ज़्यादातर अगर समझ में आया ना तो हिपाटोटॉक्सिसिटी या लीवर टॉक्सिसिटी लगा देना आंसर में, ठीक है। अगर ना कुछ समझ में आए तब, जब हाथ पांव सूजने लगे लगे कि अब तो गड़बड़ा रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा, तब भैया ब्रह्मास्त्र यूज करना, आई से शॉर्टकट ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी। सो द क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, टीबी इज बैक्टीरियल वायरल डिसीज, कोविड बैक्टीरिया है कि वायरस है, वो तो सबको पता है, ठीक है। ये कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है कि वायरस बीमारी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान देना, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, आप भी थोड़ा सा अपने ऊपर रिसर्च करिए, ठीक है। तो ये टीबी जो है काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश आपको की है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी मेरा जो एफर्ट है, क्योंकि इस लेक्चर को बनाने में कम से कम मुझे 1.5-2 घंटे रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद फिर रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं चीज़ें, फिर उसके बाद उसको एडिट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपसे शेयर करता हूँ, तो काफ़ी सारी मेहनत लगती है। जब काफ़ी सारी मेहनत लगती है तो आपको भी बिल्कुल उसका सम्मान करना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, जितनी चीज़ें बताई गई उसको 100% ग्रेस्प कर लेना चाहिए, यही आपका डेडिकेशन होगा आपकी पढ़ाई के लिए। तो यहाँ से सवाल फार्मासिस्ट में, जीपैड में जहाँ से बन जाते हैं, मैंने सब डीआई तक के लेवल को इसमें पढ़ाया हुआ है, डीआई का एग्ज़ाम आराम से देख सकते हो, फार्मासिस्ट 2 डीआई एग्ज़ाम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, अगर पसंद आया है तो बिल्कुल इस चीज़ को जो है अच्छे से आप देखते रहिए, सीखते रहिए, बाकी और भी जितने भी आने वाले सेशंस हैं उनको भी देखते रहिए, मन लगा के शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।